गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको ये लेसन टू स्टार्ट करवाया था, अ न्यू आइडिया ऑफ गुड मैनर्स वाला। इसमें दो फ्रेंड्स होते हैं, रवि एंड आनंद। उसका एक न्यू फ्रेंड बनता है अशोक, जो एक न्यू एडमिशन बॉय है, स्कूल में आता है। हमने यहाँ तक लेसन छोड़ा था, इसी के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। यहाँ पर आनंद ने कहा था हमारा स्कूल बहुत बड़ा नहीं है और इसकी लाइब्रेरी भी इतनी बड़ी नहीं है, बट अब रवि बोल रहा है बट इट इज़ गुड वन, इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स। ये अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स हैं। आर देयर सम प्लेज टू, और यहाँ पर कुछ प्लेज भी रखे हैं। प्ले क्या होता है, प्ले होता है ड्रामा बुक्स होती हैं, है ना, उनको प्लेज कहा जाता है। यस देयर आर, हाँ यहाँ पर है। आई रीड वन लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर उसको पढ़ा है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डिडंट लाइक इट, इट वॉज बिट डल। ये क्या है, थोड़ी सी डल है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है। डू यू लाइक टू वॉच अ प्ले, क्या तुम्हें प्ले देखना पसंद है, ड्रामा देखना पसंद है, अशोक ने पूछा। रवि ने बताया आई वेरी मच लाइक टू वॉच प्लेस, मुझे बहुत पसंद है ड्रामा देखना, प्लेस देखना, प्ले करते ना आपस में एक्टिंग करके, जो पिक्चर होती है उसमें प्लेज ही होते हैं, बट आई कांट स्टैंड रीडिंग देम, बस बट मुझे उसको पढ़ना पसंद नहीं है, पढ़ना उनको पसंद नहीं है। स्टोरी बुक्स आर नेवर डल, स्टोरी बुक्स डल नहीं होती है, स्टोरी बुक्स उसको पसंद है रवि को पढ़ना। अशोक बता रहा है बट वुड यू लाइक टू एक्ट इन अ प्ले, क्या तुम्हें एक्टिंग करना पसंद है प्ले में। रवि ने कहा नॉट वेरी मच, ज़्यादा तो नहीं, पर बट आनंद वुड लव टू, बट आनंद को ये बहुत ही पसंद है। आनंद बता रहा है यस आई लाइक एक्टिंग वेरी मच, आनंद ने कहा हाँ मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्ट इफ आई एम आस्क्ड टू, मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ, हमेशा रेडी रहता हूँ एक्ट करने के लिए, मतलब एक्टिंग करने के लिए वो हमेशा रेडी है अगर उससे कोई पूछे तो। देयर इजंट एनीथिंग डल अबाउट एक्टिंग, कुछ भी एक्टिंग करने में कुछ भी उसको डल नहीं लगता, इंटरेस्टिंग लगता है उसको, एक्टिंग करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। दोज बिग फैट बुक्स आर अ बिट डल, मोटी मोटी किताबें उसको क्या लगती हैं, इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, डल लगती हैं परहैप्स, बट एक्टिंग इज नॉट, लेकिन एक्टिंग डल नहीं होती है। अशोक व्हाट आर दे, वह क्या है, कौन सी चीज अच्छी है। रवि ने कहा दे आर डिक्शनरीज, मे आई आक्स यू अ क्वेश्चन, वो बताता है रवि कि डिक्शनरीज होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है ना, मैं तुमसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। अशोक बता रहा है हाँ डू आक्स, पूछो। रवि कह रहा है डू यू नो हाउ टू यूज़ डिक्शनरी, क्या तुम जानते हो डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं। डिक्शनरी यूज़ करने का भी एक तरीका होता है बच्चों, ये आपस में बात कर रहे हैं। अशोक माय ग्रैंडफादर टॉट मी हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी 2 years ago, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाया था 2 साल पहले कि डिक्शनरी कैसे यूज़ की जाती है। आई हैव बीन यूजिंग वन एवर सीन्स, मैंने भी तब से ये डिक्शनरी यूज़ करना सीख लिया है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं। आनंद दैट्स गुड, आनंद ने कहा बहुत अच्छी बात है। व्हेन आई रीड अ बुक आई समटाइम्स वांट टू लुक अप द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी, बट वेरी ऑफन आई फील लेजी एंड डिसाइड नॉट टू। मैं कभी कभी किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे एक हार्ड वर्ड मिल गया है, कभी कभी अपन पढ़ते हैं तो अभी कोई हार्ड वर्ड आ जाता है ना, तो आनंद ने भी वही कहा, पर डिक्शनरी में मैं उसे देखने में लेजी फील करता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि नहीं देखना चाहिए, लेजी मतलब आलसी फील करता था वो देखने में डिक्शनरी में। रवि ने कहा बट सपोज यू आर राइटिंग एंड डोंट नो हाउ टू स्पेल अ वर्ड, अब रवि बोल रहा है कि तुम सपोज करो कि तुम कुछ लिख रहे हो और तुमने गलत स्पेलिंग लिख ली, तब वुड यू लाइक टू इट अप देन, तब तुम क्या देखोगे, है ना। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं बेटा, ओके थैंक यू।